सिवनी जिला मुख्यालय में आजाद अध्यापक संघ ने गांधी भवन कचहरी चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम सिवनी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सभी अध्यापकों की मांग है कि अध्यापकों को शिक्षा विभाग में शामिल कर अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त किया जाए, साथ ही वेतन मान का लाभ भी दिया जाए। इसके अलावा कई मांगों को लेकर आजाद अध्यापक संघ ने जमकर नारेबाजी की। आजाद अध्यापक संघ के प्रांतीय आह्वान पर अशोकनगर जिला इकाई ने अपनी मांगों को लेकर आक्रोश रैली भी निकाली, जिसमें जिले भर के अध्यापक शामिल हुए। अध्यापकों की रैली गांधी पार्क से शुरू हुई, अस्पताल चौराहे से होते हुए अध्यापक कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से अपर कलेक्टर AK चांदिल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन बताया गया है कि अगर सरकार मांगों को नहीं मानती तो वो 15 अक्टूबर को भोपाल में राज्य स्तरीय रैली का आयोजन भी करने जा रहे हैं। नगर पंचायत मोह में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष